हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वैसे ही फेस्टिवल्स बहुत सारे आ रहे हैं, इसके लिए घर को डेकोरेट करना बनता है। तो कम खर्च में हर फेस्टिवल के लिए एक नया ऐसा डेकोर चीज़ बनाएंगे तो किसको नहीं चाहिए। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक किसी ने भी सब्सक्राइब ना की हो या पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए पूरा का पूरा जो मैं बना रही हूँ पेपर से, न्यूज़पेपर से बना रही हूँ। आप ऐसे ही कोई भी थिन वाला पेपर ले सकते हो। देखिए कैसे मैं बनाती हूँ पेपर स्ट्रॉ, इसे फॉलो कीजिए, बहुत इजी है। बहुत सारे बना के रखी हूँ मैं। एंड में ग्लू अप्लाई करके थोड़ा प्रेशर लगाइए ताकि बाद में वो निकल ना जाए, खुल जाता है नहीं तो, इसलिए थोड़ा ऐसे रोल करके पकड़ के रखिए। ऐसे बहुत सारे बना के रखी हूँ मैंने, इसे अलग अलग डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। एक राउंड वाला बना के रेडी की है। इधर हम एक जो स्ट्रा ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर दूसरा ऐसे गम डाल के कनेक्ट कर सकते हैं। बाद में ये और थोड़ा स्ट्रांग बने इसके लिए पीछे एक कार्डबोर्ड पीस को मैंने अटैच की है। देखिए ऐसे डिज़ाइन बनाई है मैंने। आप ग्लू कौन सा भी ले सकते हो, इसका नाम पता नहीं, नहीं तो फेविबॉन्ड आता है, फेविकॉल आता है, कोई भी रख सकते हो, ले सकते हो आप। दूसरा डिज़ाइन मैंने ऐसे देखिए डायगोनल शेप में बना रही हूँ, और तीसरे डिज़ाइन को मैंने मैट जैसा बनाई है। आप देखिए समझ में आ जाएगा। पीछे की तरफ से मैंने एक के बाद एक पेपर स्ट्रॉ को ग्लू की हेल्प से स्टिक की है। बाद में दो साइड में स्टिक की है। बाद में उसे जो राइट साइड का कार्डबोर्ड का फेस है वहाँ लाके ऐसे मैट जैसे मैंने बनाई है डिज़ाइन। एंड में उसे पीछे फिर से लेके ऐसे ग्लू लगा के जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे कट की है, स्ट्रॉ का एक्स्ट्रा पोर्शन को कट की है। ये सब होने के बाद मैंने इसे एक दिन मैंने सूखने दी है। बाद में एक्स्ट्रा जो बाहर का निकला हुआ स्ट्रॉ का पोर्शन है उसे मैंने सीजर की हेल्प से कट की है। और फोर्थ वन मैंने देखिए ऐसे बनाई है, ऐसे रैंडमली मैंने सीधा क्रॉस में और कट की है। और फिफ्थ वन ऐसे फिर से एक बड़ा सा राउंड, दो छोटा सा राउंड, और तीन ऐसे आउल के पाँव और नोज के लिए बनाई है। आप ऐसे राउंड का शेप जो भी बनाते हो उसे फेविकॉल का एक कोट अप्लाई कीजिए ताकि वो आपस में फिक्स हो जाए, निकल ना जाए। और तीन छोटे छोटे पीस को मैंने थोड़ा अंदर से बाहर प्रेस करके ऐसे एम्बोस जैसा बनाई है जैसे उसमें दिखता है। बाद में इस राउंड बड़ा वाला पीस के ऊपर आउल का दो आंखें छोटे छोटे राउंड और नीचे पांव और नोज फिक्स की है, और फिर टेल को बनाई है। स्ट्रॉ को ऐसे फोल्ड करके जस्ट फिक्स की है जैसे मैंने वहाँ फोटो में दिखाया। बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने कलरिंग और डिज़ाइन की है, और बीच बीच में मैंने मिरर फिक्स की है। ऐसे डिज़ाइंस आपको
स्केचेस मतलब जो मैंने पेंटिंग की है वो आपको पिंटरेस्ट में या गूगल में बहुत सारे मिलेंगे, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। देखिए बाद में ऐसे दिखता है। और का भी कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कीजिए। ये पूरा होने के बाद एक कोट वार्निश ज़रूर अप्लाई कीजिए। मिरर लगाने के पहले ही वार्निश कीजिए, बाद में मिरर के ऊपर भी वो आ जाएगा। इसके लिए मैं भूल गई थी, तो थोड़ा होशियारी से मैंने वार्निश अप्लाई की है। बाद में पेंट पूरा सूखने के बाद ही वार्निश अप्लाई कीजिए। वार्निश सूखने के बाद आप मिरर फिक्स कीजिए। आप भी अपने घर को फेस्टिवल के लिए ऐसे अलग अलग चीज़ों से डेकोरेट कीजिए। और भी ऐसे डेकोर वीडियोस में लेके आऊँगी, इसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।